प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर किए जाने वाला वादा सीएम सिटी करनाल में फेल होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। हर रोज कुत्तों द्वारा काटे जाने के मरीज नागरिक अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जिन्हें एंटी रेबीज का इंजेक्शन भी नसीब नहीं हो रहा है। और तो और नागरिक अस्पताल एंटी रेबीज के इंजेक्शनों का स्टॉक भी नहीं है। अस्पताल आने वाले लोग बाहर से एंटी रेबीज का इंजेक्शन खरीद कर लाने पर मजबूर है। अधिकतर मेडिकल स्टोर पर तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन ही नहीं मिल रहा है। जहां मिल रहा है वहां भी दुकानदार मनमानी रेट मरीजों से वसूल रहा है। इतना ही नहीं, आवारा कुत्तों की तादाद भी शहर में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इनके शिकार बने लोगों पर रेबीज का सबसे अधिक खतरा भी बना है। वहीं करनाल यहां के नागरिक अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पूरे स्टेट में 7 वेयर हाउस हैं जो पूरे प्रदेश में इसकी सप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा कि आज ही 200 इंजेक्शन करनाल के लिए, पानीपत के लिए व कुरुक्षेत्र के लिए पहुंच जाएंगे, जो जरूरतमंद लोगों को लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। देखिए एक रिपोर्ट। आप देखते रहोगे गाड़ियों के पीछे भागेंगे और लोगों को काटते हैं। जगह जगह इतनी गंदगी करके रखते हैं, सरकार का कोई इनके प्रति कोई ध्यान ही नहीं है। ध्यान देना चाहिए, बच्चों को काट देते हैं। अभी कल ही यहाँ पे एक एक्टिवा को लेके जा रहा था, एक छोटा लड़का, उसको कुत्ते ने कम झपटा, उसे उसके एक्टिवा भी टूटी। ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान देती नहीं है और मल्टियों पे लगे पड़े हैं। काम धंधे के काम धंधे भी नहीं है साले, ये भी कर सकते। बहुत ही दिक्कत आती है यहाँ पे, जो भी निकलता है और कुत्ते उसको भागते हैं, दौड़ते हैं, काटते हैं, बहुत दिक्कत आती है। सीएम सिटी में इतना दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा कुत्ते की तादाद बढ़ती जा रही है। इधर भी आप देखो, इधर भी देखो, कुत्ते बढ़ते हैं। 4 बच्चे दिए, इसने 6 बच्चे दिए। अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। रेबीज इंजेक्शन पूरे हरियाणा में HMSCL कॉरपोरेशन है, हमारा जो मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन है स्टेट लेवल पे, उन द्वारा सप्लाई ऑर्डर किए जाते हैं और वो सप्लाई ऑर्डर वेयर हाउसेज को सप्लाई आती है। तो ये पूरे वेयर हाउसेज हरियाणा में जो 7 वेयर हाउसेज हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत, उनमें एक वेयर हाउस 3-3 डिस्ट्रिक्ट कैटर करता है, तो उसके तहत सभी जगह सप्लाई अभी कहीं नहीं आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग लेवल से ऑर्डर किए हुए हैं, उनके सैंपल जो ही आएंगे वेयर हाउस में आ जाएंगे, टेस्टिंग होके हम शुरू कर देते हैं। तब तक यदि कोई शॉर्टेज आती है तो हम हर वेयर हाउस के कांटेक्ट में रहते हैं। अब अम्बाला वेयर हाउस से हमारे को 200 इंजेक्शन डिस्ट्रिक्ट करनाल के लिए, 200 पानीपत के लिए, 200 कुरुक्षेत्रा के लिए आज शाम तक पहुँचने के लिए बात हो गई है। आज दोपहर या शाम तक हमारे पास इंजेक्शन वेयर हाउस में आ जाएगा और कल से जो 200 इंजेक्शन है वो सबको बेनिफिशियरीज को मिलने शुरू हो जाएगा। तो हम जनता को प्राइवेट में ज्यादा पैसे, प्राइवेट इंजेक्शन के बारे में अभी थोड़ा सा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कॉस्ट फैक्टर भी है और उनका सप्लाई प्राइवेट इंजेक्शन, प्राइवेट हर दुकान पे इंजेक्शन मिलता भी नहीं है और जहां पे ये इंजेक्शन आ रहे हैं उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। जो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में हम 100 रुपए फीस लेके इंजेक्शन लगता है, उसकी कॉस्ट बाकी सरकार कॉस्ट अपने लेवल पे वहन करती है। तो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे? जल्दी हमारी डिमांड जो है हर महीने, हर एज एंड वैन जब हमारे पास खत्म हो जाते हैं हम ऊपर भेजते रहते हैं। ये सप्लाई ऑर्डर हुआ है कंपनियों को, मैन्युफैक्चरिंग होके जितनी जल्दी आ जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।